हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी प्लस ब्लॉग। में कैसे आप सब लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्किन केयर से रिलेटेड कुछ टिप्स जिनको आप फॉलो करके स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बना सकते हैं। तो फ्रेंड, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप इसको लास्ट तक जरूर वॉच कर लें और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इन टिप्स को आप रात में सोने से पहले यूज कर सकते हैं, रात में सोने से पहले आप इनको फॉलो कर सकते हैं, मेकअप रिमूव के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, विंटर स्टार्ट हो गया तो इसमें आपको एक्स्ट्रा स्किन की एक्स्ट्रा केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि विंटर में हमें हमारी स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई होती है। अगर जिनकी ऑयली स्किन है तो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, और जो टिप्स है वो आप ड्राई स्किन नॉर्मल से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले हमें चाहिए और साथ में चाहिए टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर ना हो तो आप कॉटन से यूज कर सकते हैं, कॉटन से मेकअप बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है। जो मैंने किया हुआ है यहाँ पर मेकअप, मैं उसको ही रिमूव करके बता रही हूँ। सबसे पहले हमें कॉटन लेना है, इसमें मैंने टोनर ले लिया है थोड़ा सा कॉटन में। आप टोनर ना हो तो आप गुलाब जल का भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर प्लम का टोनर यूज किया है जो कि बहुत ही अच्छा है, प्लम का टोनर। और मैं इसको रिमूव कर लूँगी, जो मैंने मेकअप किया है उसको अच्छे से रिमूव करना है। आप इस स्टेप्स को रात में सोने से पहले भी यूज़ कर सकते हैं और डेली में कर सकते हैं, क्योंकि हमारी स्किन को डेली केयर करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि हम मॉइस्चराइजर जब यूज़ करते हैं तो स्किन में डस्ट वगैरह वो लग जाती है, तो इसको केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बस अच्छे से हमें रिमूव करना है। मैंने रिमूव यहाँ पर कर लिया है। मैंने यहाँ पर इसको रिमूव कर लिया है। ये वाली जो 5 मिनट स्टेप्स है उनको आप रात में सोने से पहले या खाना बनाने के बाद, जब हमारी स्किन पे ऑयल लग जाता है या फिर कुछ भी डस्ट लग जाती है, उसके बाद भी आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, या फिर मेकअप रिमूव के बाद भी आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। ये 5 मिनट स्किन केयर टिप्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाने के लिए। उसके बाद मैंने लिया मसाज जेल, जो कि मैंने एलोवेरा मसाज जेल लिया है। आप चाहें तो एलोवेरा से ही मसाज कर सकते हैं। बस 5 मिनट आप इसको कर लीजिए। इससे क्या होगा कि स्किन की जो भी डस्ट होगी या फिर जो भी धूल मिट्टी आपके स्किन में लगी होगी पूरी निकल जाएगी, जिससे क्या होगा जब भी हमारे स्किन में साफ होगी, धूल मिट्टी होगी, तो हमारी स्किन पर पिंपल्स नहीं आएंगे और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और स्किन साफ सुथरी नज़र आएगी। इसको 5 मिनट ही करना है, आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम डेली अगर करते हैं तो इसको ज़्यादा करने की मसाज करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह से 5 मिनट करना है। इसको रिमूव कर लेना है 5 मिनट के बाद। मैंने यहाँ पर कॉटन का इस्तेमाल किया, आप टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। और कॉटन से करने में क्या होता है कि स्किन अच्छे से साफ़ होती है। बस यहाँ पर मैंने एक कर लिया है इसको साफ, और उसके बाद मैं यूज़ करूँगी मामाअर्थ का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र, जो कि बहुत ही अच्छी है स्किन के लिए। मामाअर्थ का एक ट्रायल पैक लिया था मैंने। बस इसको अप्लाई करना है और हमारा स्किन केयर जो रूटीन थे डेली का वो कंप्लीट हो गया है। तो कैसा लगा ये स्किन केयर रूटीन, आप इसको फॉलो कर सकते हैं और रात में सोने से पहले जब भी आपको टाइम मिले आप डेली में कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी जो स्किन का नेचुरल ऑयल बैलेंस बना रहेगा और स्किन हमारी जो स्किन है वो ड्राई नहीं लगेगी। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में बताइए।